26 जनवरी 1972 की बात है। लगभग 30,000 फीट ऊपर हाइट से एक जेट एयरलाइन फ्लाइट स्टॉकहोम से डेनमार्क जा रही थी, जिसमें लगभग 28 पैसेंजर और क्रू मेंबर थे। उस फ्लाइट के लगेज कंपार्टमेंट में किसी ने सूटकेस बॉम्ब रख दिया था, जो बीच हवा में एक्सप्लोड होता है। दोस्तों, इस ट्रेजिक इंसिडेंट में सभी क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स मारे जाते हैं, लेकिन सिर्फ 23 साल की वेस्ना विलोविक जिंदा बचती है। इतनी हाइट से विदाउट पैराशूट नीचे गिरने के बाद भी वो कई दिनों तक कोमा में थी। उसका स्कल फ्रैक्चर हो चुका था, रिब्स और सभी हड्डियां टूट चुकी थी और वो कुछ समय के लिए पैरालाइज्ड भी हो चुकी थी। लेकिन लगभग 30,000 फीट विदाउट पैराशूट गिरने के बाद भी वो जिंदा थी, जिसकी वजह से उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।